चेकआउट कर सकते हो कि इनकी स्विमिंग चेकआउट करो, समझ में आ रहा है। ये हाथ पैर तो मतलब कि चला नहीं रहे, अकेले हाथ चला रहे हैं, ठीक है। इसमें होता क्या, सांस ज़्यादा चढ़ता है, बॉडी पूरी नीचे ऐसे फ्लो है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा एफर्ट लगता है। फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो का क्लियर कट बता दूँ, जो कि आप लीवर में नहर में नहाते हो, ठीक है, और जो मेन स्विमिंग नहीं होती, नहर में नहाना और पूल में नहाना अलग रहता है, जिसकी वजह से हमारे जोर ज़्यादा लगता है जब हम फेस बाहर मतलब कि करके तैरते हैं, ठीक है। चलो दिखाता हूँ और प्लस उसकी वीकनेस बताता हूँ। इनको प्रोफेशनल नहीं आती, जैसे लीवर में तैरते ना वैसे तैरते हैं। चलो गो। तो फ्रेंड्स ये देखो फेस बाहर निकाल के तैरते हैं, ठीक है। इससे होता क्या है, इसे देखो, ये अपने आगे वेव तैयार कर रहे हैं, वो आपस में भिड़ गए हुए, ठीक है। ये अपने आगे वेव तैयार कर लेते हैं, ठीक है, और उसकी वजह से होता क्या है, उसकी वजह से एक वेव तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा जोर लगता है, सांस फूल जाती है। और यही चीज़ अगर ये नहर में करते हैं तो पानी के प्रेशर की वजह से ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ते जाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो ऐसे बाहर करके, पहली बात इनके हाथ ऐसे हैं, ठीक है, दूसरी बात कि ये अगर फेस अंदर करके तैरेंगे तो ज़्यादा दूर तक तैर पाएंगे, है कि नहीं। फ्रेंड्स, आपने जो स्विमिंग देखी, अभी आपको मैंने जो स्विमिंग दिखाई है इन बच्चों की, सीन क्या होता है कि इनमें सीन ये रहता है कि हाथ ऐसे फेस बाहर है, तो ये लॉन्ग टर्म नहीं तैर सकते। मतलब कि ये इन्होंने वहाँ से सिर्फ ये 20 मीटर का पूल है, 20 मीटर के पूल में ही इनकी सांस काफ़ी फूल जाती है, और यही अगर नहर में तैर रहे हैं ये, तो नहर में ये बहुत दूर तक तैर देते हैं। तो नहर में और स्विमिंग पूल में तैरने में बड़ा डिफरेंस रहता है। तो कभी आपको ये हो कि आप नहर में तैर लेते हो और आप पूल में कहीं छाल मार दो, ठीक है, तो ये गलती नहीं करनी, कभी भी नहीं करनी। उसके रीज़न ये है कि पहली बात, आप नहर पे नहाओ मत, ठीक है, क्योंकि नहर पे रिस्क रहता है जान का, आप पूल में आप नहाओ, ठीक है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, हर कोई नहर में जा रहा होगा। खड़े हुए पानी में तैरना अलग बात होती है और चलते हुए पानी में तैरना अलग बात होती है, ठीक है। अगर ख़तरनाक की बात की जाए तो ज़्यादा डेंजर कौन सा होता है, खड़ा हुआ पानी ज़्यादा डेंजर होता है। अगर आप खड़े हुए पानी में जैसे छाल मार देते हो और आपको तैरना नहीं आता, या फिर आपको नहर में तैरना आता है और आपने छाल मार दी बाई चांस ज़्यादा दूर, ठीक है, और आप थोड़ा सा तैरे और आपकी सांस फूल गई, उसके बाद सांस फूलने के बाद आपका बाहर आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और इसमें सीन क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। करो, आपने दीवार से छाल मारी, अपने सेकंड ब्लॉक तक आप तैर के चले गए और आपको लगेगा हम वहाँ से वापस आ जाएंगे, ठीक है, गहरे पानी में, डीप वाटर में, इसमें तो पैर लग जाते हैं। तो सीन क्या होता है कि आप वहाँ से जब वापस आओगे ना, आपका एफर्ट पता कितना लग जाएगा, बहुत ज़्यादा एफर्ट लग जाएगा। अगर आप नहर में कर रहे हो, सपोज करो आप नहर में वहाँ कूदते हो, नहर वहाँ तक आपको सिर्फ ना के बराबर एफर्ट लगाएगी, सिर्फ पानी के ऊपर रहना है, देन अपने आप बाहर निकल जाओगे। पर आपको वहाँ से यहाँ तक आने में भी काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है अगर आपको स्विमिंग नहीं आती तो, ठीक है। और स्विमिंग में मोस्टली क्या होता है कि बंदे जो कूदते हैं उनको इस लाइन से यहाँ तक आने का भी टाइम नहीं मिलता, देन तो हाथ पैर तो मारते हैं पर वो बाहर नहीं आ पाते, देन यहीं से मतलब कि मोस्टली आप चेकआउट करोगे तो स्विमिंग पूल में ज़्यादातर डूबने के चांसेस होते हैं दीवार के पास, ठीक है, कोई भी सेंटर में नहीं डूबता, सेंटर में डूबने के चांसेस ना के बराबर होते हैं, हमेशा दीवार के आस पास डूबते हैं, क्योंकि बंदा देखता है कि हाँ भी यार ये बहुत नीम आया, वो कूद जाता है और देन उसको लगता है कि नहीं भाई अब तो मेरे सांस फूल के मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें डबल एफर्ट लगता है, समझ में आ गया, ठीक है। हम फेस बाहर करके जब तैरते हैं तो हमारा जो वेव तैयार होता है ना, पानी का एक वेव तैयार होती है, वो हमें रोकती है आगे बढ़ने में। और यही चीज़ नीवर में क्या होता है, नहर में क्या होता है, तो ये एक पानी का प्रेशर खुद का होता है, ठीक है, वो अपने आप आपको आगे लेके जाता है। कभी आप उल्टा तैर के देखना, आपसे इतना सा भी आगे नहीं सिरका जाएगा पर आप पीछे चले जाओगे, ठीक है। तो जब हम फेस अंदर के तैरते तो हमारे आगे वेव नहीं आती, जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारी स्पीड तेज़ रहती है, हमारी वेव कम बनती है इसके अंदर, है कि नहीं। तो समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, आज के लिए इतना काफी, बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर द वीडियो।